Friends, welcome back to Science Video Class. Today we will start our new chapter, chapter 5, that is Living Healthy and Safe. Okay, so here we will read about our healthy life and how can we live our life healthy and safe. Okay, and some important topics we will discuss here, that is balance diet, hygiene, road safety, fire safety and extinguishing a fire. Okay, so first of all, as we all know that a healthy person is physically and mentally active. यानि कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है, यानि पूरी तरह से जब वो स्वस्थ है तो वो mentally और physically दोनों रूप से क्या होगा, एकदम अच्छा होगा और अपने सभी काम को अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि mentally healthy रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि physically healthy रहना जरूरी है. Okay, healthy person is free from diseases also. तो healthy person जो होता है वो क्या होता है कि आपके मतलब जो भी diseases या बीमारियां हो ना उससे भी free रहता है. आप good health enables us to join our life fully, enjoy our life fully and we are able to do well good and games and studies. यानी कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अच्छे हैं दोनों ही तौर पे फिजिकली एंड मेंटली, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे. ओके, और जो भी आप वर्क करने वाले हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो आप गेम्स खेल रहे हो, चाहे वो स्टडीज के लिए हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, हर चीज में आपका मन लगेगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे. सो व्हाट डू वी नीड टू डू इज टू बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. यानी कि हमें हेल्दी होने के लिए और हमेशा हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अ बैलेंस डाइट, अ रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ रेस्ट एंड गुड हाइजीन आर की फैक्टर्स दैट एंश्योर योर गुड हेल्थ. यानी कि आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है कुछ चीजें, जैसे कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार जरूरी है, रेगुलर आप एक्सरसाइज करें वो भी बहुत जरूरी है, और उन सब चीजों के साथ में इनफ रेस्ट यानी कि पर्याप्त मात्रा में आपको आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सरसाइज करना या फिर डाइट अच्छी लेना. एंड हाइजीन हाइजीन यानी आपको अपने आसपास सफाई भी उतनी ही अच्छी तरीके से रखनी पड़ेगी. इस सब चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी और स्वस्थ रहेंगे आप हमेशा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड हियर अबाउट अ बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. यानी कि जो भी फूड में पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं वो सभी हमारे बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि वो सब हमारे बैलेंस डाइट में शामिल होते हैं, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी, यानी एक संतुलित आहार कहलाएगा. अब बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो होने चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ये पांच आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके फूड में अवेलेबल होने चाहिए इक्वल अमाउंट में, इक्वल मींस या फिर जितना जिसकी हमें जरूरत है उतने में हमें ये प्रोवाइड मतलब शामिल होना चाहिए हमारी डाइट में. ओके, तभी हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी. बैलेंस डाइट जो है वो हमें हेल्प करती है अच्छे से ग्रो होने में हमारी बॉडी को, हमें अच्छे से काम करने में एंड डिजीजेस से लड़ने में भी हमें हेल्प करती है. ओके, बैलेंस डाइट जो है वो सभी की सेम नहीं होती है, जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रन है, लेबरर्स है, या स्पोर्ट्स पर्सन है, या ऑफिस वर्कर है, या फिर ओल्ड पीपल है, नीड न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, मींस कि सबको अलग अलग अमाउंट में अलग तरह का डोज चाहिए. यानी अब एक छोटा बच्चा जो था, जैसे कि 2-3 महीने का जो बच्चा होता है वो किस पर डिपेंड है, अपनी माँ के दूध पे डिपेंड होता है, उसी के थ्रू वो ग्रो करता है. ठीक है, अब बाकी जो है कोई 5 साल का बच्चा है तो उसको उसकी डाइट अलग होगी, एक एडल्ट की डाइट अलग होगी, एक बूढ़े आदमी की डाइट जो है वो अलग होगी, यानी सबकी डाइट अलग अलग होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपनी न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शुगर एंड स्टार्च होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए. ये
ये हमें किस किस चीजों से मिलता है, जैसे राइस है, ब्रेड है, पोटैटोस है, इन सभी में स्टार्च की मात्रा यानी कि इसकी यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। देन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इज ऑल्सो हेल्प अस टू गेट एनर्जी या फिर मेक अवर न्यू सेल्स इन द बॉडी। ओके, न्यू सेल्स हमें किस लिए चाहिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो प्रोटीन जो है हमारे डैमेज पार्ट्स को ग्रो करती है, रिपेयर करती है, और न्यू सेल जो है वहां पर रिप्लेस करती, मीन्स की डैमेज सेल्स को हटाकर नए सेल्स वहां पर बिल्डअप करती है। ओके, तो प्रोटीन हमें मिल्क से, एग से, मीट एंड पल्सेस जो है इन सभी से मिलता है। इसके बाद है फैट। फैट जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म, हमारे बॉडी को वार्म रहने में मदद करता है। फैट हमें ऑयल, घी इन सभी चीजों से मिलता है। एक्सेस फैट अगर हम लेते हैं तो जो है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। एक्सेस एनर्जी फ्रॉम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, और फैट जो है वो ऐसी फैट से हमें वो एनर्जी मिलती है जो हम अपने फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं। देन विटामिन्स, विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। इट इंप्रूव्स एपेटाइट एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस, यानी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करता है। और ये हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लीजिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलती है। देन मिनरल्स, मिनरल्स जो है वो भी हमें थोड़ा ही अमाउंट चाहिए उसका। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन जो है ये सब हमारे मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वाटर एंड रबिश। जैसे कि हमें ये सारे मिनरल्स चाहिए, वैसे ही वाटर भी हमें बहुत ही अच्छे उसमें चाहिए। मीन्स की वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज वाटर हेल्प अस टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि वाटर जो है वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी से स्वेट को निकालने में, यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और इसके थ्रू वाटर जो है वो बाहर आता है। सो मेनी थिंग्स कम इन वाटर, लाइक मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स, इन सभी में वाटर होता है। बट इसके अलावा भी हमें जो है पानी जो है 6 से 8 गिलास या 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए दिन में। ओके, ताकि हम हेल्दी रह सके। देन राफेज जो है, राफेज क्या है, एक फाइबर होता है जो कि हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड कोट यानी पल्सेस में पाया जाता है, या फिर आपकी सीरियल्स है, आपके दाल वगैरह जो है उन सब में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए राफेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज भी हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो वी विल ऑलवेज फिट, हमारी बॉडी जो है वो क्या रहेगी, फिट रहेगी। इट हेल्प्स अस टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स, हमारी मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, जो है उसको टोन अप करता रहेगा, यानी उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हम अच्छे ज्यादा फिट रह सकेंगे। एंड इट हेल्प अस टू बर्न आवर एक्स्ट्रा फैट, यानी जो बॉडी में जमा हो जाता है हमारा, जिस तरह जिसको हम मोटापा कह सकते हैं हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उसको भी वो बर्न अप करता है एक्सरसाइज, और हमें स्लिम बनाता है। एक्सरसाइज जो है वो मेक्स अस विद स्वेट एंड ब्रीथ हार्डर, यानी पसीना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो पसीना तेजी से निकलता है और आपकी ब्रीथिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। इट ऑल्सो मेक्स अवर हार्ट बीट फास्टर। ऑब्वियसली अगर आप जैसे रनिंग कर रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है एक्सरसाइज के ड्यूरिंग क्या होते हैं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इन दिस वे ऑल अवर बॉडी सिस्टम गेट अ नाइस वर्कआउट, यानी हमारे पूरे बॉडी पार्ट जो है, बॉडी जो है हमारे हमारी अच्छे से वर्कआउट कर पाती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स या फिर इज नॉट ओनली गुड एक्सरसाइजेस बट अ लॉट ऑफ वर्क, यानी बाहर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो वो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको क्या करता है, एंजॉयमेंट भी देता है। ओके, कुछ एक्सरसाइज है जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, प्लेइंग है,
जरूरी है, पानी जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वैसे ही रेस्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ओके, एटलीस्ट 8 आवर्स जो है वी हैव टू स्लीप, यानी कि 8 आवर्स जो सोना है हमें, बिल्कुल हमें सोना चाहिए आराम से. बच्चे हैं अभी उन लोगों के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है. जाते हैं तो उन एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में इसमें हम जानेंगे.
जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसको क्या होता है कि काफी ज्यादा सीरियस चोट जो है वो भी लग सकती है, काफी ज्यादा दर्द जो है वो भी हो सकता है। तो यू के अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी हम जो है एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय बीइंग अलर्ट, यानी अलर्ट रहेंगे हम तब, केयरफुल रहेंगे तब, एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो करेंगे तब हम इन एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। हैव यू सीन सम ऑफ दीस कॉमन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस, कैन यू टेल व्हाट कॉजेस दीस एक्सीडेंट्स? अब आपके बुक में यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है, कुछ एक्सीडेंट्स दिखाए गए हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी साथ के साथ में ये सब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो ये जो है इनको हम रोक नहीं सकते हैं। मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू हेस्ट, केयरलेसनेस एंड नेग्लेक्ट ऑफ सेफ्टी रूल्स, यानी कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम जो है जल्दबाजी में चलते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, या फिर हम केयरलेस होकर काम करते हैं, और या फिर हम जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं, तभी ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, नाउ सेफ्टी ऑन द रोड। अब ये सभी जो एक्सीडेंट ऊपर जो दिखाए गए हैं ये आपके मैक्सिमम जो घर में होते हैं वो है, लेकिन अब हम जो जानेंगे वो है सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि जो रोड पर है हम वहां पर कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यू सी हियर और रीड अबाउट एक्सीडेंट ऑन द रोड एवरी डे, यानी रोज हम लोग सुनते हैं रोड पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी बहुत हैवी एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं? फास्ट मूविंग व्हीकल्स, अ लिटिल केयरलेसनेस, दिस रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स कैन रिजल्ट इन अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन द रोड, यानी जब भी तेज गाड़ी चल रही हो या फिर लापरवाही में हम गाड़ी चला रहे हो या चल रहे हो रोड पे लापरवाही में, तो और या फिर ट्रैफिक रूल्स को हम सही से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तभी जो है रोड पर सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं। बोथ द ड्राइवर्स एंड द पेडेस्ट्रियंस नीड टू बी वेरी कॉशियस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, यानी कि जो भी ड्राइवर्स हैं गाड़ी जो चला रहे हैं या रोड पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों को भी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, तभी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। जिस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए ड्राइवर को उसी डायरेक्शन में चले, गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाए। ज़िगज़ैग ड्राइविंग जो है वो लॉ के अगेंस्ट है, यानी कभी गाड़ी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सीधे स्ट्रेटली उसको अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलानी चाहिए। ओके, पेडेस्ट्रियन वॉक ऑन द फुटपाथ, यानी कि जो भी लोग रोड पर चल रहे हैं उसे फुटपाथ पे चलना चाहिए और लेफ्ट साइड में चलना चाहिए रोड के। दे शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग समथिंग, तो रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है उन्हें उसी पर से रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर ट्राई टू क्रॉस द रोड बाय रनिंग थ्रू अ मूविंग ट्रैफिक, यानी कि अब गाड़ियां इधर उधर आ रही हैं जा रही हैं और हम लोग दौड़ के रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। देयर आर मेनी साइंस ऑन द रोड, रोड पे बहुत सारे साइंस होते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। दीज रोड साइंस और ट्रैफिक साइंस हेल्प टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, यानी रोड साइंस को या ट्रैफिक साइंस को फॉलो करते हैं आप तो एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। हैव यू नोटेड दीज, यानी आपके साइंस बने हुए हैं जो हमारे रोड्स पे बने होते हैं, जैसे कि ये वाला है तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बना रहता है, ये स्कूल है ये बताता है कि आगे स्कूल है, नो पार्किंग का साइन रहता है, ये नो मॉड का साइन है, नो एंट्री का है, नो यू टर्न, यानी आगे से कोई यू टर्न नहीं है, तो ये सब हमें ही साइन से इंडिकेशन मिलता है, तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नाउ फिर अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर, फायर इज आग। अब आग से हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? फायर इज वेरी डेंजरस थिंग, यानी आग जो है बहुत ही खतरनाक होती है, जो हमारे जीवन को बहुत ही मतलब थोड़ी से ही समय में हमें खत्म कर सकती है। इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी,
हैंगिंग ऑफ मैचेस केयरलेसली, यानी मैचेस अगर आप जला रहे हैं तो उसको केयरलेस तरीके से यूज कर रहे हैं, या फिर कैंडल्स को केयरलेस तरीके से यूज कर रहे हैं, फायरक्रैकर्स का यूज कर रहे हैं एक्सेट्रा, आप ये सब केयरलेस होकर यूज कर रहे हैं तो मैचेस की तीली जलाई और कहीं भी जलते हुए उसको फेंक दिया तो आग लग पकड़ सकती है, या पटाखे आपने कहीं जंगल फेंक दिए तो वो आग पकड़ सकता है। ठीक है, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड गैजेट्स, यानी कि आपके वायर में इलेक्ट्रिकल वायर में कुछ फॉल्ट हो या फिर उसके स्विच बोर्ड वगैरह में कुछ फॉल्ट हो तो ऐसा हो सकता है, आग लग सकती है। एक्सीडेंट वायर कुकिंग और लीकिंग गैस सिलेंडर इन द किचन से, यानी कि जब हम किचन में गैस में हम काम कर रहे हैं तो सिलेंडर लीक कर रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके वजह से भी आग लग सकती है। टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स, अब फायर एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है? बी वेरी केयरफुल बाय हैंडलिंग फायर इन एनी फॉर्म, यानी आग अगर आपके हाथ में किसी भी रूप में है, कोई दिया ही क्यों ना हो, कोई कैंडल क्यों ना हो, आपको उसको सेफली हैंडल करना है, उसके साथ मजाक नहीं करना है। डू नॉट यूज एनी फॉल्टी एप्लायंसेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीजें जो कि पहले से ही खराब थी उनको यूज नहीं करना है। डू नॉट टच एनी ब्रोकन इलेक्ट्रिकल, यानी टूटे हुए तारे वगैरह अगर है तो उसको टच नहीं करना है। इनकेस यू सी एनी स्पार्क, यानी कि अगर कहीं से कोई शॉर्टिंग हो रही है या फिर से स्पार्किंग हो रही है तो आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए, क्योंकि उसको उसके बारे में नॉलेज है आपको नहीं है। सिंथेटिक फ्यूल्स जो है उनमें आग ज्यादा तेजी से लग जाती है, सो दे शुड नॉट बी बर्न बाय कुकिंग और लाइटिंग क्रैकर्स, यानी कि जब भी आप पटाखे वगैरह जला रहे हो या खाना बना रहे हो तो आप उससे क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है। When we use water, अगर हम the heat is removed and the fire extinguishes, अगर हम water का use करते हैं तब heat remove हो जाती है, fire extinguish होती है। When we use sand, carbon dioxide और foam, we cut off oxygen supply and the fire dies out. तो जब हम अगर sand या रेत का इस्तेमाल या फिर carbon dioxide का इस्तेमाल करते हैं तो oxygen जो supply है जिसके थ्रू आग जलती है वो कट ऑफ हो जाएगी और फायर जो है वो, यानी आग जो है वो बुझ जाएगी। व्हेन अ मेजर फायर ब्रेक्स, यानी जब बड़ी कभी आग भीषण आग लग जाती है जैसे बिल्डिंग या फैक्ट्री में, तो यू शुड इमीडिएटली कॉल द फायर ब्रिगेड। फायरमैन आर एक्सपर्ट्स एट फाइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फायर, उन लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई होती है तो उन लोगों को अच्छे से जानकारी है कि उससे उनको कैसे निपटना है। स्मॉल फायर सेट जैसे कि पुट आउट यूजिंग वाटर सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर, यानी छोटी आगों की अगर कुछ छोटी मोटी आग लगी है तो उसको हम वाटर से सैंड से फायर एक्सटिंग्विशर जो है छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं जगह जगह ऑफिस में स्कूल्स वगैरह में अवेलेबल रहते हैं, उसके थ्रू हम आग को बुझा सकते हैं। बर्निंग एक्सेट्रा कैन बी पुट आउट बाय पोरिंग वाटर अंडर, यानी अगर लकड़ी जल रही है या कपड़े पे आग लगे तो हम उसको पानी से भी बुझा सकते हैं। Never use water
Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.